अब जो जेल का जो जाला होता है ना, खड़ा करवाया पहले टांग ऊपर सर। तो फ्रेंड्स, एक बार फिर मुझे पुलिस स्टेशन जाना पड़ रहा है, तो पूरी स्टोरी मैं बताता हूँ अभी क्या सीन है। बहुत तगड़ा सीन हो गया यार। पिछले कल तो पता आपको चोर के चक्कर से जाना पड़ रहा था, बट आज का जो है सीन वो नया सीन है, और आज का जो मुख्य पात्र है वो कटप्पा है। तो अभी पूरी स्टोरी बताता हूँ मैं आपको कि हुआ क्या, और कटप्पा के चक्कर से मुझे आज पुलिस स्टेशन जाना पड़ रहा है यार। कल मैंने आपसे बात की थी पिछली वीडियो में कि यार भगवान सब कुछ करे पर पुलिस स्टेशन के चक्कर ना लगाए, और अगला चक्कर भी मुझे पुलिस स्टेशन का ही लगा। तो फ्रेंड्स, ये आ गया कटप्पा, द मेन हीरो, तो मेन हीरो ऑफ आर ब्लॉग। तो अभी जा रहे हैं हम पुलिस स्टेशन। स्टोरी है वो सब कुछ आपको मैं बाद में बताऊंगा। आप पूछ रहे थे ना काफ़ी दिनों से कटप्पा कहाँ है, मुझे भी एक्चुअली पता नहीं था। तो अचानक से जो कल, क्योंकि मैं खुद कल इंसिडेंट में काफ़ी ज़्यादा बिजी था, आपको पता था मैं पुलिस स्टेशन था लास्ट डे उस चोर के चक्कर से, तो वहाँ से मुझे खबर लगी कि ऐसा ऐसा है और ये हमारे अंडरग्राउंड हो चुके हैं कटप्पा जी। तो स्टोरी काफ़ी लंबी है वो, मैं पहले, क्योंकि पहले हमें पुलिस से मिलना है, पुलिस स्टेशन में SHO से जाके मिलना है, वरना इसकी वाट लगने वाली है। तो सबसे पहली बात बोल रहा हूँ, आजकल चला है इनके फेस्टिवल, ये जो बुद्धिस्ट होते हैं ना लाहौल वाले, तो उनकी फगड़ी चली है और लोसर जिसे कहा जाता है, तो भयंकर है, डेली महुआ चला है, डेली दारू चली है। तो अभी भी मुझे इसके मुँह से बिल्कुल जो ना दारू रॉयल स्टैग की आ रही है, और पुलिस वाला लेने वाला है इसकी, याद रखी, लिख के लेगा वो। स्टोरी मैं आपको बाद में बताऊंगा कि बहुत लंबी स्टोरी है यार, वो प्यार से बैठ के बताऊंगा कि एक्चुअली क्या हुआ। कभी खाने बैठेंगे हम कहीं, उसके बाद ही बताऊंगा, बट ये है कि वो लेगा ज़रूर इसकी। काफ़ी दिनों से गायब थे यार, तो मैं तो मजाक में बोल रहा था कि वो 5-6 चुंगम ले, अच्छा एक मत ले, जाएगी नहीं स्मेल, थोड़ा मिट्टी खा ले, कसम से स्मेल चल जाती है। कटप्पा रास्ता ढूंढ रहा स्मेल जाने के। क्या लगता है फ्रेंड्स, कटप्पा की कैसे लेगा पुलिस वाला? इस बंदे ने दाढ़ी भी नहीं काटी, दाढ़ी क्यों नहीं काटी? और टाइम नहीं मिला भाई, टाइम नहीं मिला इसको। हाँ, पुलिस वाला पूरा टाइम देगा, मतलब पता था तेरे को, यहाँ जो भाई लोग हैं ना अपने, ये भी बोलते हैं तेरे को कि दाढ़ी काट ले या फिर बाल उड़ा दे, अब ये रियल कटप्पा बनेगा। इसका लास्ट दिन बोला मैंने, 2-3 दिन रह गए इनके फेस्टिवल के, बस ये तेरा आखिरी दिन है एंजॉय करने के, कर ले, उसके बाद देखना तुम इसकी वाट कैसे लगती है। स्टार्ट है तेरी वाट लगाने के लिए। एक अभी हमने एक और इंसान बुलाया ताकि आगे गवाही दे। यार पुलिस के पट्टे खाए आपने किसी ने? तो कटप्पा आज खाने वाला है, कैसे खाएगा पता नहीं। कैसा फील, कैसा हो रहा है पट्टे खाने से पहले? कुछ फीलिंग, बस थोड़ा थोड़ा हाथ में छाले निकलेंगे, क्या होगा, रेडी निकल चुका पहले ही। नहीं, हाथ में खाएगा तो चल निकलेंगे, पिछवाड़े में खाएगा तो? पिछवाड़े नहीं मार, दिखा दे। तो फ्रेंड्स, एक और इंसान लाया हमने, इसीलिए लाया कि जब पुलिस के पट्टे मिले, पट्टे पड़े अपने कटप्पा को, तो खाने के लिए एक भाई साथ होना चाहिए, हौसला देने के लिए। यार पुलिस वाले को अगर मैं बोलूंगा भाई कि मुझे भी मारना है 2-3 कटप्पा को, तो हाँ मार सकते हो जीतू। एक बात है ना, तेरे को पुलिस मारेगी ना तब तेरे को डर ज्यादा होगा कि मैं जब मारूंगा तब तुम इस बारे में? हाय, यस यस, कटप्पा तू ऐसे बोले सर प्लीज इसको मार दे, ऐसा मारना कुत्ते की तरह मार कितना भाई, बाहर भाई बोलेगा नहीं है ना, पूरे गुस्से से मारूंगा बस ये। चलो यार उत्तर पहुंचते हैं, फिर बात करते हैं, पहले पुलिस स्टेशन जाते हैं, उसके बाद आपको पूरा एग्जैक्ट सिनेरियो समझाता हूं कि हुआ क्या एग्जैक्टली। डॉन का इंतजार तो 11 मुल्कों की पुलिस कर रही है, लेकिन सोनिया, डॉन को पकड़ना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। इसके चक्कर से हमें सुबह सुबह पुलिस स्टेशन जाना पड़ रहा है यार, जस्ट बिकॉज हिम। बेकार आदमी है, मतलब जीतू से अच्छा तो ये है, कटप्पा से अच्छा बैठा है, रिलैक्स, कोई दिक्कत नहीं कर रहा है। Thank you.
तो फ्रेंड्स अभी मैं और अक्की जा रहे हैं कुछ खाने यार, सुबह से अभी पता है सुबह 10:30 बजे आए हम वहाँ से बजौरा से कटप्पा को लेके। तो कटप्पा भी हमारे साथ नहीं है, तो वो है अभी पुलिस थाने में। अब भैया उसको पुलिस वाले के डायलॉग मारे पुलिस वाले डायलॉग पता क्या मारा कि जो उसकी दाढ़ी लंबी है कि भाई तेरे तो मैं मिट्टी तेल लगा के दाढ़ी उड़ाऊँगा। तो काफ़ी कुछ कहा यार उसे, और अभी रिमांड रूम में नहीं ले गए उसको, तो अभी देखते हैं। मैंने सोचा कि हम तो कुछ खा के आ जाते हैं, नहीं तो पूरा दिन भी लग सकता है। तो यार एक गलतियां जो करते हैं ना उनके चक्कर से हमें भुगतना पड़ता है, और उनमें से उनकी गैंग में से एक तुम समझ नहीं सकते 12 साल का लड़का। ओए 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 बाल बाल बचा यार, बाल ये ऑल्टो वाले को बहुत जल्दी लगी थी। तो उस गैंग में ना 12 साल का लड़का है यार, कैन यू इमेजिन 12 साल का, मतलब दारू पी के 12 साल के यार, मतलब उसकी खेलने कूदने की दिन होती है, और किस तरफ जा रहा। और हिमाचल की बात करूँ तो हमारा हिमाचल तेरे को पता है नंबर 1 है दारू पीने में। और कल जब मैं अभी गया तो SI काफ़ी अच्छा है यहाँ पे, जो इंस्पेक्टर हैं काफ़ी अच्छे हैं। तो उन्होंने कहा कि वो शायद कहीं हिमाचल में ही, कहीं बिलासपुर या कहीं और से हैं। तो उन्होंने कहा यार यहाँ ना लाहौल और एक कुल्लू वाले ना इतना क्यों पीते हैं, तो मतलब हिमाचल में हमारे सबसे ज़्यादा शायद कुल्लू और लाहौल वाले ही पीते हैं, बहुत ज़्यादा पीते हैं। काहे पीते हो रहे तुम, छोड़ दो, हमको कहाँ पता है। तो चलो अभी अपडेट दूंगा मैं क्या होगा इसके बाद। कटप्पा गया तो 2 टांगों पे था, शायद आएगा भी 2 टांगों पे, ऐसा नहीं है। बट जब तक हम मैं उसके साथ उसको पढ़ने दूंगा मैं कम से कम थोड़ा तो, क्योंकि नहीं थोड़ी उसको पढ़ने देंगे ताकि वो सुधरे यार। मैं यही चाहता हूँ कि वो सुधरे, और यू नो जब तक मेरे साथ होता है, आपको पता है ट्रिप में होता है तो कोई टेंशन नहीं, कोई कुछ नहीं। उसकी जो संगत है ना वो बहुत ख़राब है यार। तो चलिए अभी थोड़ा हम बर्गर खाने हैं, तो अंडे वाला बर्गर खाएंगे और उसके बाद वापस जाएंगे पुलिस चौकी। अब देखो पहचान सकते हो तुम कटप्पा को, ये कटप्पा है। अब इसको कटप्पा नहीं कहेंगे हम, अब क्या कहेंगे इसको, तेरा नाम कोई नया सा देते हैं, कटप्पा आलिया भट्ट। अब इसको हम आलिया भट्ट देंगे नाम, आलिया भट्ट। ये है हमारे लड़कों का आलिया भट्ट यार। इस बंदे ने पता नहीं क्या क्या करवा दिया। अब फिर से पुलिस स्टेशन की ओर। कटप्पा पुलिस स्टेशन कैसे पड़ी? बहुत बुरी तरह से भाई। पहले क्या करवाया? मतलब जो जेल का जो जाला होता है ना, खड़ा करवाया पहले, टांग ऊपर सर नीचे, कैसे फिर खड़ा करके काफ़ी देर तक हमको वैसे बैठाया, और जैसे एक हिल गया मतलब तो सीधे चुत्तड़ में पटाक। फिर उसके बाद थकने के बाद हाथ में कितनी पड़ी? हाथ में 15-15 बजा होगा शायद, 15-15। और चार मतलब टांगों में क्या, एक टांग में पट्टा और दूसरे टांग में चार। तो फ्रेंड्स फाइनली हम पुलिस स्टेशन से फ्री हो चुके हैं, तो अब पता नहीं कब कॉल आएगा और कब लास्ट टाइम जाना पड़ेगा एक बार कटप्पा को। तो देखो ये है हमारा नया कटप्पा, और इसने आज प्रॉमिस किया कि भाई आज के बाद ये आज लास्ट गलती है ना लास्ट। तो मैं एक्चुअल में सिनेरियो बताता क्या हुआ। तो हमारे गांव में आजकल पता है इनका ना फेयर होता है बुद्धिस्ट वालों का, आजकल लोसर चला होता है, उसमें खाना पीना चला रहता है, यू नो अल्कोहल भी कंज्यूम काफ़ी ज़्यादा होती है। तो कटप्पा जी हमारे ये गलत नहीं है, मैं सीधी सी बात बोल रहा हूँ, आज का जो इंसिडेंट हुआ तो उसमें ये गलत नहीं था, बट क्या करें इसकी जो संगत है वो गलत है। वो है कि नहीं गलत? वो संगत गलत है। तो उसमें तुम्हें इमेजिन तुम मान सकते हो कि 12 साल का बच्चा भी है, इवन वो भी ऐसी करता है, नशे वगैरह करता है, और उसके बाद जो भी फसाद वगैरह करने में माहिर हो गया है। तो वही यार आजकल हम क्या सीख दे रहे हैं अपने बच्चों को, वो किस तरह जा रहे हैं। तो कटप्पा को मैंने आज लास्ट टाइम बोल दिया, ये मेरा लास्ट टाइम होगा कि मैं पुलिस स्टेशन इसके चक्कर से गया सुबह से शाम, आज सुबह से शाम हो गई। और उन पुलिस पता है यार सबको पुलिस के चक्कर बहुत गलत होते हैं, पुलिस स्टेशन के चक्कर बहुत ही ज़्यादा गलत होते हैं यार। मज़ा है पुलिस में वैसे।
तो देख लो भाई कटप्पा को, ये सीरियसली यार, और दाढ़ी ऐसे नहीं काटनी थी, ये जो SHO थे वहाँ पे उन्होंने कहा कि भाई तू दाढ़ी काट क्या, तो हमने सोचा चलो अगर शरीफ लगना है तो पहले दाढ़ी से शुरुआत करते हैं। ये तो कटप्पा की घर की खेती है यार, ये तो कभी भी आ जाएगी, बट जो हमारा कैरेक्टर है वो अगर एक बार ख़राब हो जाता है तो उसके बाद यू नो बहुत मुश्किल होता है कि वापस रिवाइव करना उस कैरेक्टर को। तो फ्रेंड्स ऐसा हो गया था कि गांव में ना किसी बुज़ुर्ग पे हाथ हूथ उठा दिया था कटप्पा ने, नहीं जो इसके साथ थे और जिसके कारण यू नो जिसने वो गलत काम किया उनके साथ ये बैठा था और गलत संगत में बैठा था, तो नाम आ गया और इतने दिन से रिमांड भी चढ़ा था। तो चलो होना भी चाहिए, उनको तो काफ़ी जो मेन कल्प्रिट था उसको तो बहुत बुरी हालत से पड़ी है, बट कटप्पा वगैरह को छुड़ा के लाया है अभी। तो अभी शायद एक दो दिन, कल तो इन्होंने आज इन्होंने साइन वगैरह कर लिए अपने जो भी था, तो अब शायद एक दो दिन और बुलाया जाएगा और उसके बाद ये बिल्कुल फिनिश होगा। तो अभी केस उतना हार्ड नहीं बना है, बट ये है ओवरऑल हमारे कटप्पा जी बिल्कुल सेफ हैं। तो ये बताया इतने जो इंसिडेंट हुआ उससे सीखा कुछ कि नहीं सीखा? बहुत कुछ। क्या सीखा? सबसे पहली बात यार, दाढ़ी से इस बंदे को बहुत प्यार था। तुम सोचो ना यार, वो लंबी लंबी दाढ़ी सीधा जीरो पे आ गया। आई नो दुख तो होगा, बट एक खुद की खेती है, कभी भी तू बड़ी कर सकता है। तो अब फिर से वही पुराना कटप्पा तैयार है, कौन सा एडवेंचर वाला कटप्पा? एडवेंचर देख ले, तू सबके सामने बोल रहा है यहाँ पे कि क्या एडवेंचर। हाँ, अब फिर से कटप्पा एडवेंचर लाइन में जाएगा और तबाही मचाएंगे दोनों। जब मिल बैठे दो यार तो हो जाता है कुछ, बताएंगे किसी और दिन। तो बस आज के बाद आपको फिर से एक नवीन और कटप्पा स्पेशल आने वाला है फिर से हम, क्योंकि यार ये पता क्या होता है, जैसे ही हमारा जो सीज़न होता है मेनली टूरिज्म का, उस टाइम बढ़िया रहता है सब कुछ, जैसे ये ऑफ सीज़न में क्या होता है बिगड़ जाता है। तो भाई लोग ये लास्ट टाइम था, आज के बाद ऐसा कुछ नहीं होगा, प्रॉमिस। हाँ देखो भाई, देखो तुम सबको प्रॉमिस कर रहा है कटप्पा, तुम बहुत पूछ रहे थे ना कटप्पा कहाँ है यार, ये सच में बहुत प्रॉब्लम में था। मुझे भी कल शाम को ही पता लगा, क्योंकि मैं खुद पुलिस स्टेशन गया था दूसरे काम से, जैसे कि आपने मेरी लास्ट वाली वीडियो देखी उन चक्कर में पड़ा था, तो मेरे को कल था कि कटप्पा वगैरह गायब हो चुके हैं। तो बाद में पूरा सीन पता किया कि हुआ क्या है, तो कटप्पा जी ने कुछ और ही तांत्रा मचा के रखा था। चलो सबक मिलता है, हर इंसान को सुधरने का मौका मिलता है, तो इसको मैंने भी लास्ट टाइम दिया है कि यार सुधर जा, इसके बाद नहीं मिलेगा मौका, इसके बाद पत्थर उठाऊँगा और दे दना दन। तो बस फ्रेंड्स, तो बाकी आपकी कोई भी प्रतिक्रिया होगी इसके बारे में तो कमेंट सेक्शन में लिख देना अपना प्यार, और प्लीज़ यार कटप्पा को एक प्रोत्साहन की ज़रूरत है इस टाइम, आई नो। और काफ़ियों के बच्चों, बस इतना है कि यार अपनी जो बच्चों पे भी आप ध्यान रखें, लगभग 12 से लेकर 20 साल तक बच्चे यार कब बिगड़ जाते हैं कोई पता नहीं होता है, वैसे ही मेरा बच्चा भी ये थोड़ा बिगड़ जाता है, बट मुझे इसको वापस कंट्रोल करना पड़ेगा। तो फ्रेंड्स बस आज की इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं अपने नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत एंड स्टे सेफ़।